वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टोटल सॉल्यूशन मिलन। दोस्तों जो भी पहले बार मेरे चैनल को देख रहे हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल में रखा बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि सबसे पहले मेरा जो वीडियो है आपके पास चला जाएगा। तो दोस्तों देखिए, चार्जर जो फ़ोन में चार्ज हो रहा है अभी, इस चार्जर को हम ब्लूटूथ में लगा के दिखाएंगे कि देखिए चार्ज नहीं हो रहा है। कुछ तो कारण है इसका, तो वही कारण हम देखेंगे, ढूंढेंगे और सीखेंगे कैसे इसको ठीक करते हैं। तो इसका जो है ब्लूटूथ का शॉर्ट सर्किट है, इसीलिए चार्ज नहीं हो रहा है। तो पहले ब्लूटूथ को हम खोल लेते हैं, जल्दी से इसका नट वगैरह खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसको और स्क्रू ड्राइवर के मदद से थोड़ा प्रेशर करने से आहिस्ता आहिस्ता ये खुल जाएगा। तो खुलने के बाद हम इसको चार्जर लगा के फिर दिखाएंगे कि इसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है और इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा आहिस्ता खोलना चाहिए, नहीं तो ये टूट सकता है, इसका जो लॉक वगैरह है इसके अंदर। तो देखिए इसका जो खोल लिया है, अभी ये सर्किट को बाहर निकाल लेंगे। तो इसमें तो कोई पानी वगैरह नहीं गया है, अच्छा ही दिख रहा है, कोई भी प्रॉब्लम तो हमको दिख नहीं रहा है। ऊपर से कोई सल्फर भी नहीं है, लेकिन फिर भी चार्ज नहीं हो रहा है, इसका ट्रैक भी टूटा नहीं है। तो बोर्ड को हम बाहर निकाल लेते हैं स्क्रू ड्राइवर के मदद से थोड़ा प्रेशर करने के। तो चलिए प्रेशर करके इसको निकाल लिया। अब चार्जर फिर से लगाएंगे इसमें, देखिए चार्ज नहीं हो रहा है। तो क्यों चार्ज नहीं हो रहा है अभी दिखा रहा हूँ मैं। चार्जर को आपके सामने लाएंगे, उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों चार्ज नहीं हो रहा है। देखिए मैंने चार्जर लगा दिया, देखिए चार्जर का लाइट जो है बंद हो रहा है, मतलब इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है, इसके कारण ही चार्ज नहीं हो रहा है। देखिए फिर से दिखा रहा हूँ, देखिए चार्जर का जो लाइट है वो बंद हो रहा है, तो इसी कारण चार्ज नहीं हो रहा था। तो अभी इसको थोड़ा साफ कर लेंगे कनेक्टर को, और इधर बहुत सारा वायर है, हमको दिख नहीं रहा था ठीक से। तो इसका जो बैटरी वाला वायर है नेगेटिव पॉजिटिव का, वो हम खोल लेंगे, क्योंकि बैटरी ख़राब हो सकता है, बैटरी बहुत नाजुक होता है, शॉर्ट सर्किट में ख़राब हो सकता है, इसीलिए बैटरी हमने खोल लिया है। खोलने के बाद इसको हम मीटर से चेक करेंगे कि कहाँ पे शॉर्ट है और कौन सा चीज़ शॉर्ट है, बोर्ड में शॉर्ट है कि नहीं है या कनेक्टर में शॉर्ट है, तब जाके पता चलेगा। तो इसका जो नेगेटिव पॉजिटिव हम खोल लेते हैं, तो खोल के वो हटा देंगे बैटरी का लाइन, क्योंकि बैटरी लगा होगा तो इसका जो काम नहीं होगा, क्योंकि इसका चार्जर का ही प्रॉब्लम है, चार्ज का प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं बैटरी में वोल्टेज है कि नहीं है। हाँ, बैटरी में 3 समथिंग वोल्टेज है, ठीक है। अभी कंटिन्यूटी मोड में कर लिया मैंने मीटर को, तो अभी इसका जो बैटरी कनेक्टर का नेगेटिव पॉजिटिव है उसमें हम देखेंगे शॉर्ट है कि नहीं है। शॉर्ट तो कहीं पे दिखा नहीं रहा है, मतलब बोर्ड तो ठीक ही है, देखिए शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, वैल्यू दिखा रहा है, मतलब बोर्ड सही है। दोस्तों प्रॉब्लम दूसरा कुछ होगा, इसका डायोड शॉर्ट तो नहीं है, डायोड भी शॉर्ट नहीं है, बोर्ड को देख लिया अच्छी तरह से। तो देखिए इसमें जब वैल्यू दिख रहा है बोर्ड तो शॉर्ट नहीं है, इसका चार्जिंग कनेक्टर ही शॉर्ट है, क्योंकि कनेक्टर में चार्जर लगाने से उसका जो चार्जर का लाइट है वो बंद हो रहा है। तो इसको हम कनेक्टर को उठाएंगे, इसीलिए इसको पेस्ट लगा लेते। लगाने के बाद बोर्ड को थोड़ा क्लिप से लगा लेते, क्योंकि कनेक्टर को हम बाहर निकालेंगे बोर्ड से।
तो इसको ब्लोअर के मदद से पोर्ट को बाहर निकालना चाहिए। तो जो मेरा मशीन का है वो यार 6.5 में दे दिया और हीट फुल दे दिया। देखिए इसको निकाल दिया, देखिए कितना अच्छी तरह से ये बाहर निकल गया। तो अभी हम इसको साफ कर लेते, चार्जिंग कनेक्टर जहाँ पे लगा हुआ था वहाँ पे शोल्डर है तो कनेक्टर बैठेगा और उसको चेक भी करना है, इसीलिए हम इसको थोड़ा साफ कर लेते टी शोल्डर वायर के मदद से। तो हमने साफ कर लिया, अभी देखेंगे दूसरे जगह से वोल्टेज देखे। देखिए देखिए वोल्टेज देने से कनेक्टर के पॉइंट में चार्जर का जो लाइट है जल रहा है, मतलब बोर्ड सही है, कनेक्टर ही शॉर्ट था। तो अभी देखिए इसका जो कनेक्टर है, ऐसा तो मेरे पास नहीं है, मैं इसमें यूनिवर्सल कनेक्टर लगाऊंगा, जिसको हम यूनिवर्सल कनेक्टर बोलते हैं। इसको ही देखिए काट के वैसे ही सेम टू सेम बना के इसमें लगाएंगे। तो यूनिवर्सल कनेक्टर जो है इसका पीछे वाला जो पिन है वो काट दिया और दोनों साइड का भी काट लेता हूँ, क्योंकि ये वाला पिन थोड़ा सामने टेढ़ा हुआ है, ये नहीं बैठेगा। तो इसका जो है ऊपर नीचे दोनों साइड भी काट लेता हूँ। तो काटने के बाद ये सेम टू सेम वैसा ही पहले जो कनेक्टर था वैसा ही दिखेगा, तो इसमें और प्रॉब्लम नहीं आएगा बैठाने में। तो हम थोड़ा नाप लेके ठीक से काट देते हैं। चलिए इसको काट दिया है मैंने, सेम टू सेम वो वाला कनेक्टर जैसा होगा। अब देखिए चार्जर में लगा के भी देखते हैं इसको ठीक तरह से बैठता है कि नहीं बैठता। देखिए ठीक तरह से बैठ रहा है। अभी ये कनेक्टर को बोर्ड में लगाएंगे, थोड़ा पेस्ट लगाना पड़ेगा। थोड़ा पेस्ट लगाने के बाद इसको हम शोल्डर कर देंगे पीछे से, जो कनेक्टर बोर्ड में लगता है ग्राउंड का वो हम शोल्डर कर देते। उसके बाद जो इसका पिन का शोल्डर है वो भी कर देंगे नेगेटिव पॉजिटिव का। तो करने के बाद देखिए ये हम कनेक्टर बैठा दिया है, आपको दिखा रहा हूँ कितना अच्छा बढ़िया तरीके से बैठ गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। तो देखिए सेम टू सेम कनेक्टर जो पहले जैसा ही दिख रहा है, इसका जो कनेक्टर था पहले वही। तो अभी चार्जर डाल के देखेंगे इसमें चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लगते थोड़ा शोल्डर रहेगा कनेक्टर के अंदर, चार्जर नहीं अंदर घुस रहा है। तो थोड़ा नोकीला चीज़ से सुई के मदद से वो अंदर वाला जो थोड़ा शोल्डर गया है उसको साफ कर देंगे। चलिए साफ हो गया, अभी चार्जर लगा के देखते हैं। हाँ अभी चार्जर ठीक तरह से लग रहा है। तो दोस्तों अब इसका जो है बैटरी का जो लाइन है वो हम जोड़ देंगे इसका, लेकिन उससे पहले बैटरी का कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव वो देख लेंगे, क्योंकि सब एक जैसा ही वायर है, पता नहीं चल रहा है कौन सा नेगेटिव पॉजिटिव है। तो चलिए अभी तो पता चल गया, हम मीटर से चेक करके उसके बाद लगा देते पॉजिटिव का तार लगा देते, अभी नेगेटिव का भी लगा देते। तो लगाने के बाद इसको हम देखेंगे कि चलिए देखिए इसका बैटरी का लाइन देने से ऑन हो गया, स्विच ऑन था दोस्तों इसीलिए। तो स्विच को ऑफ कर देते, अभी चार्जर लगा के देखेंगे चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए चार्जर का जो लाइन है वो मैं नहीं दिया था, अभी दे दिया। चलिए देखिए इसका जो चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों इसका यही कारण था, इसका जो चार्जिंग कनेक्टर वही शॉर्ट था। तो हम अभी चार्जर को भी बगल में रख के आपको दिखाएंगे। पहले चार्जर का लाइट बंद हो रहा था, तो अभी देखिए
अभी बंद नहीं हो रहा है, अभी चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों देखा मैंने इसका जो फॉल्ट था वो कैसे हमने निकाला और कैसे इसको सॉल्व किया। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल का जो आई बटन है उसमें जाके वीडियो के ऊपर आई बटन शो करेगा तो उसमें क्लिक करके आप मेरा चैनल का और भी वीडियो है वो देख सकते हो। और मेरा चैनल का जो है प्लेलिस्ट में जाके भी मेरा और भी वीडियो है वो देख सकते हो। और मेरा जो है डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उससे भी मेरा वीडियो आप लोग देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों मेरा ये वाला वीडियो तो इतना ही था, नेक्स्ट टाइम मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगा, वो वीडियो बढ़िया होगा, वो J2 का होगा, कैमरा का जो प्रॉब्लम है तो कैमरा उसका टूट गया था, तो वही नेक्स्ट वीडियो आएगा सैमसंग गैलेक्सी J2 का। तो दिल थाम के बैठिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो बहुत अच्छा होगा और हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। जो नया टेक्नीशियन है उसको पता चल जाएगा कि J2 का कैमरा टूटने के बाद उसको कैसे दूसरी जुगाड़ लगा के उसको हम ठीक कर सकते, क्योंकि बहुत कस्टमर है वो चेंज नहीं कर सकता पैसे के वजह से। तो ओके, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।